ना घटी सारी आपके विस्तृत मैंने बता दिया उसके बाद। उसमें मामला यही था कि मैं डायमंड सप्लाई करने अपने गया था बनारस, बनारस से वापसी करते हुए जौनपुर आया। जौनपुर से मैं अपने गांव जा रहा था, और गांव जाते से सुगलामगंज बाजार है, वहां से मैं जो है करीब 200 मीटर अंदर गया हूं, तब तक बाइक सवार जो है दो आए हैं, मुझे टक्कर मारी है। टक्कर मारी, मैंने अपनी गाड़ी रोकी कि कौन है, मेरे गाँव पहुँच गया हूँ, कौन मेरी गाड़ी में टक्कर मारने वाला आ गया। तो उधर से वो आया, पत्थर या किस चीज़ से मेरी गाड़ी शीशे मारा, मुझे बहुत मेरा शीशा टूट गया, तो मुझे गुस्सा आ गया, उससे गाली गलौज हुआ, उसी उसमें जो है उसने पिस्टल निकाला है, मेरे ऊपर फायर कर दिया है। मुकदमा अपने थोड़ा और मजबूती करने के लिए मैंने लूट का मामला लिखा, जो भी आप कह लीजिए सर, उसमें फर्जी तो था ही, अब उसमें क्या कर सकते हैं, इसीलिए मैं आया हूँ ना, फर्जी था तो ही मदद करने पुलिस का आया हूँ कि फर्जी मतलब लूट का लूट हुआ ही नहीं। दोबारा उनके साथ 1,70,00,000 रुपए की लूट की गई और उनके हाथ में गोली मारी गई। इस घटना की सूचना पर नियमानुसार अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना का विषय है, अभी विवेचना में बहुत से साक्ष्य संकलित किए जाने, आप भी हो सकते हैं, वो भी सकते हैं, ये बिल्कुल हो सकते हैं। अब विवेचना के परिणाम के विषय में इस समय में कुछ नहीं, विवेचना का परिणाम साक्ष्यों पर आधारित होता है, जितने साक्ष्य मिलेंगे उस हिसाब से विवेचना होगी, और जब ये विवेचना पूर्ण हो जाएगी उस दिन मैं पुनः आप लोगों को बुलाकर बताऊंगा कि इस प्रकरण में कौन कौन आरोपी। हमारे इस लूट को सही प्रक्रिया तो विवेचना हो रही है, और विवेचना से एक लूट फर्जी पाई गई है, जिसके साथ घटना घटित होना कहा गया है, उसने घटना से इनकार कर दिया, उसका माल आपके सामने प्रदर्शित किया गया, माल आपके सामने है, उसके साथ लूट की कोई घटना नहीं है।